अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उमर सलामत और मैं हूँ चैनल का होस्ट। आज की ये वीडियो मेरे सप्लीमेंट से रिलेटेड आज वीडियो होने वाली है, जो कि आपने थंबनेल और इसके अलावा टाइटल भी पढ़ लिया होगा। और आज का हमारा ये टॉपिक है कैमिल लेवरोनी का गोल्ड क्रिएटिन, जो कि एक बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और आज हम इस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे और देखें, और मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और इसके साथ साथ इसके प्राइस क्या चल रहे हैं मार्केट में और किसको लेना चाहिए, बिगनर्स को, एडवांस को या इंटरमीडिएट को, किसको यूज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं कि केविन लेब्रोन कौन है। केविन लेब्रोन एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं आईबीपी प्रो के। उन्होंने कभी टाइटल विन तो नहीं किया, लेकिन वो अपने मुनफरिद फिजिक की वजह से और अपने मुनफरिद जेनेटिक्स की वजह से जाने जाते हैं। और इसी सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना एक सप्लीमेंट का ब्रांड लॉन्च किया, केविन लेब्रोन सिग्नेचर सीरीज के नाम से उन्होंने बनाया है। और उसके अंदर मुख्तलिफ सीरीज के सप्लीमेंट्स लॉन्च किए, जिनमें ब्लैक सीरीज है, गोल्डन सीरीज है, उसके अलावा सिल्वर सीरीज है। और उनमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट जो कि बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होते ही हैं, जिनमें आते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, इसके अलावा क्रिएटिन सप्लीमेंट्स हैं, BCAA यानी पोस्ट वर्कआउट में आते हैं, जो इंटर वर्कआउट में आते हैं, जो आपके डेली लाइफ में वाइटामिन, जो इस तरह के सप्लीमेंट उन्होंने लॉन्च किए हैं। अब नेक्स्ट आपका सवाल होगा कि क्रिएटिन है क्या और उसको किसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्रिएटिन क्या है, इसके लिए मैंने अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर मैं बात करूँ क्रिएटिन क्या है तो इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनेगी, उस पर अलग एक कंप्लीट डिबेट होगा। तो इसके लिए आप ये लिंक क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि क्रिएटिन क्या है। अब नेक्स्ट है कि उसको कौन इस्तेमाल कर सकता है। क्रिएटिन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि जो जिम जाते हैं और जिनको अपना ATP लेवल बढ़ाना है तो वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, यानी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। यानी कि इसकी कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो इस प्रोडक्ट को जब आप बाय करेंगे और इस प्रोडक्ट को तकरीबन 60 ग्राम आपको यानी कि सर्विंग्स मिलेंगी, यानी कि अगर आप पर उसको एक दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके तकरीबन 60 दिन आपकी ये प्रोडक्ट चल जाएगी। और उसके अंदर आपको पर स्कूप में आपको 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिलेगा और 0 ग्राम शुगर होगा उसके अंदर। कुछ लोग इसको 2 ग्राम स्कूप एक टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरे टाइम पे 2 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। और यानी कि आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, 1.5 ग्राम 2 ग्राम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप प्री वर्कआउट में इस्तेमाल करें, चाहे आप पोस्ट वर्कआउट में इस्तेमाल करें, या आप सुबह मॉर्निंग में यानी कि नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसकी एक नीड होगी, आपको वो ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी और उससे आपका ये होगा कि आपका जो ATP लेवल है वो बूस्ट होगा और आपका जो स्ट्रेंथ होगी आपके वर्कआउट में उसमें आपको बूस्ट मिलेगा। तीसरी जो उसके इसका जो बेनिफिट है, जो कि मैं और यानी कि खुद भी जब इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो इसमें आपको मसल पंपिंग बहुत अच्छी मिलेगी, इसमें आपका मसल पंप बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं कि इसके जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। एल्यूमिनियम का जो है ये सील आपको मिलेगी, और अगर ये सील आप जब आप बाय करें और ये सील ना हो तो इसका मतलब है कि कोई तो गड़बड़ है दया। हम बात करते हैं इसके अंदर, जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें पाउडर किस्म का मिलता है और ये बिल्कुल ही अनफ्लेवर्ड होता है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, इसीलिए लोग इसको बस डायरेक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई मज़ा नहीं लेते, बस इसका मज़ा जो मिलता है ना आउटपुट उसी में ही मज़ा होता है, इसके फ्लेवर में कोई मज़ा नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज़ है कि हम किस तरह मालूम करें कि ये रियल है या फेक है, तो इसके लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है स्कैनमी के नाम से। अब मैं आपको दिखा दूँ सही से, ये लाइट की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो ये जो यहाँ पे पीछे इसके बैक साइड पे एक बारकोड दिया गया है, इस बारकोड को आप इनके वेबसाइट पे जाके स्कैन कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि आपका ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। दूसरा जो इसकी सील होती है, तीसरी चीज़ आपको जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस्तेमाल करते हुए ही पता लग जाता है कि वो प्रोडक्ट रियल इस्तेमाल कर रहे हैं या फेक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो आपको एक्सपीरियंस करते हुए वो सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। और बात करें इसके प्राइसेस की, तो प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन आपको 6,000 6,500 तक ही आपको
प्राइस मिल सकता है किसी भी, हर जगह इनके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, हर किसी के अपने हिसाब से होते हैं। तो जहां आपको सस्ती चीज़ मिले और ओरिजिनल चीज़ मिले आप बाय कर लें। और इसके अलावा अगर आप नहीं जानते कि कहां से बाय करें तो मैं यहां पे लिंक दे रहा हूं, ये आप चेक कर लें इस लिंक को। इसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं कराची के जिससे आप अपने घर पर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली जाके स्टोर्स में विज़िट करके जो है सप्लीमेंट बाय कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।